ओके सो मॉर्निंग के है 3:55 और हमारी मॉर्निंग बहुत ही जल्दी हो गई है। वैसे मैं बोलूँ तो मैं तो सोया ही नहीं हूँ, बट अभी ये जो एक्साइटमेंट है वो सोने भी नहीं देगी, क्योंकि हम जिस जर्नी पे जाने वाले हैं वो बहुत लंबी वाली जर्नी है। आप लोगों को स्टॉप बाय स्टॉप नोटिफिकेशंस और वीडियोस आपको मिलते रहने वाले हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस नहीं करूँगा कि आपको तुरंत ही मिल जाएंगे, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन कैसा रहेगा कैसा नहीं वो पता नहीं है, लेकिन आई थिंक आपको मिल जाएंगे, वीडियोस तो मिलेंगे और इंस्टाग्राम पे तो आप फॉलो कर ही दो, यहाँ पे तो आपको क्या कि जल्दी से जल्दी वीडियोस तो मिल ही जाएंगे। और बात यह है कि जल्दी से निकलना है, 4 बजे का टाइमिंग है, 4 बजे तो नहीं निकल पाएंगे, लेकिन 4:15 साढ़े चार बजे तक मैक्स टू मैक्स हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेट मी जस्ट गेट रेडी एंड टेक अ हॉट बाथ एंड हम मिलते हैं कार की जर्नी में, शुरू करते और अच्छी तरीके से शुरू करते। पुणे क्रिसल से निकलने वाली ट्रेन नहीं गाड़ी अभी निकल चुकी है और अभी हम सबसे पहले स्टॉप पे मिलेंगे, लेकिन अभी सुबह के बजे है 5:10 और हमारा राइड जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। अभी तो पूरा अंधेरा है तो आपको कुछ दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे ही सुबह होती है आपको 360 शॉट्स देखने मिल जाएंगे। For you now and then, someone just like you, who can make me feel the way you do. 'Cause if I'm the ocean, you're the rain. We only need each other, baby, you know we're the same. Let's run, run away. All I need is you, now and always. You and me, you and me. We don't need no one else than each other. You and me, you and me. We could run, run away. You and me together, baby, we don't gotta stay. Our minds. We could go crazy and leave it all behind. It could be glorious, 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 glorious. It could be glorious, 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 glorious. अभी हम पहुंच गए हैं टोल नाके पे, अपना रेगुलर वाला 3 वीक में 3 बार कंटिन्यूसली हम यहाँ पे पहुँचे। एक थोड़ी लंबी सी लाइन है, बस उसको क्लियर करना है। How can you like me? You're as close to perfect as anyone can be. You and me, you and me. सुबह के बजे है 7 और अभी हम यहाँ पे आ गए हैं जो है खंडाला। खंडाला मतलब वो लोनावाला वाला खंडाला नहीं, ये दूसरा वाला खंडाला है, वहाँ पे आ गए हैं और चाय कॉफ़ी और नाश्ते के लिए ब्रेक लिया है। आई थिंक 15-20 मिनट यहाँ पे लगेगी और फिर उसके बाद हम निकलेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेशन के लिए। मस्त पेट भर के खाना खा लिया है और अभी ये कॉफ़ी की चुस्की बाकी है, बस इतनी चुस्की ख़त्म करके सीधा डायरेक्टली डायरेक्टली पहुंचेंगे अपने मुकाम पे। आप तो सभी फॉलो करें।
if I'm the ocean, you're the rain. We only need each other, baby, you know we're the same. It could be glorious. Moments later. भाई साहब क्या बताओ यार, मतलब जैसे ही आया हूँ और आगे तुरंत ये बेड मिला और बेड पे सीधा गिर के सीधा सोया हुआ, आपको खुश बता नहीं पाया। लेकिन हम जहाँ पे आए हैं वो है पंचगणी, और पंचगणी में हमने यहाँ पे स्टे लिया है। और आपको तो पूरा मतलब टूर तो करवाएंगे कैसा हाउस, बहुत ही मस्त है। और मतलब ये नेचुरल ठंडक में इतना मज़ा आ गया कि ऐसे महसूस हो गया। अभी हम रेडी होंगे, फ्रेश हो जाएंगे और आपको कुछ जबरदस्त वाला शॉट्स दिखाएंगे। हम जहाँ पे आए हैं वो है पूरा पंचगणी का, आप देख सकते हो पीछे का जो है वो पूरा स्टे का है। और यहाँ की जो सबसे अच्छी बात जो मेरे को लगी वो है इसका जो क्रिसमस ट्री है, आपको मैं दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हो कि पूरा क्रिसमस ट्री जो है वो उन्होंने बना के रखा है, और बहुत ही प्यारा दिख रहा है। विल शो यू द 360 शॉट आल्सो, बट आप देखो ये पूरा अपनी गाड़ी अच्छे से पार्क होके रखी है। ये प्रेयर रूम है, और ये जो जगह है वहाँ से हम आए थे, ये पूरा उनका जो घर है वो है, और पूरी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई हुई। आप पूरा उसका व्यू यहाँ से जो क्रिसमस ट्री देख रहा है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। मैंने कभी ऐसा इतना बड़ा क्रिसमस ट्री नहीं देखा था, ये आई थिंक पहली बार ऐसे देख रहा हूँ, सो दैट इज़ लुकिंग सो गुड। सो अभी हम यहाँ पे आ गए, एकदम डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, लेकिन अभी जो हम आ गए हैं वो है पंचगणी, और पंचगणी का ये घर है। और मैं, तपन और हम, नमो, हम सब लोग यहाँ पे आ गए। आप पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको देख सकते हो। और तपन, यू नो दिस टू आर द क्रिसमस ट्री, तो ये जो ये दो दिख रहे हैं वो बहुत ही बड़े वाले क्रिसमस ट्री है, मतलब जनरली ऐसे दिखते नहीं है। सो दिस इज समथिंग लाइक यू नो रियली गुड। सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस टिल नाउ तपन? सो फार अभी तो इतना समझ में नहीं आया था, क्योंकि इतना ऑफिस से काम करके निकले थे, टायर्ड था, तो मेरा तो सोने में ही टाइम गया है। हमने सोए तो है, लेकिन नाउ वी आर फीलिंग फ्रेश और सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो जाएंगे। अभी कुछ लोकेशन अभी डिसाइड नहीं है क्या है क्या नहीं, पर आप लोगों को बहुत जबरदस्त सरप्राइजिंग शॉट मिलने वाले हैं। A few moments later. So, अभी एक अपडेट मिला है वहाँ पे, और जो पंचगणी के जो पॉइंट्स है वो तो आई थिंक चालू नहीं है, क्योंकि हमने एक दो जगह पे चेक किया, लेकिन व्यूज़ यहाँ पे व्यूज़ की कमी नहीं है। अगर मैं आपको पूरा यहाँ से दिखाऊँ तो ये एक वन टाइप ऑफ काइंड ऑफ यू नो पूरा व्यू है, जो ये सह्याद्री के जो माउंटेन्स है उसका पूरा व्यू यहाँ से आता है, और यहाँ से आगे अगर देखते हैं तो वो आता है सिडनी पॉइंट। लेकिन ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है और बहुत सही लग रहा है। हम आ चुके हैं ये टेबल लैंड के ऊपर पंचगणी के, और
हम लोग चाहते और कैमरे के साथ रेडी है आप लोगों को जबरदस्त वाले शॉट दिखाने के लिए। नज़ारा है वो है टेबल लैंड का, और ये पूरा टेबल लैंड का जो पूरा बॉर्डर और पूरा बहुत ही अच्छा व्यू आपको मिल जाएगा। लेकिन यू नो ये पूरा मतलब ऐसा लगता है कि ये हम कोई सिक्किम या ऐसी कोई जगह पे आ गए हो, उस तरीके का ट्रीज़ और वो सब रहता है। और बहुत ही ज़बरदस्त हवा चल रही है, आई थिंक इट्स 19 डिग्री सेल्सियस, बट लेट्स जस्ट गो अहेड एंड सी और आगे हम क्या देख सकते हैं और अगर कुछ व्यू मिलता है कि नहीं, क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा है तो आई एम नॉट श्योर कि पूरा व्यू मिल पाएगा, बट यू विल एन्जॉय फॉर श्योर। टेबल एंड के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो पहली चीज़ है कि ये टेबल एंड एशिया का सेकंड लॉन्गेस्ट प्लेटाउ है, मतलब कि माउंटेंस के ऊपर का ये जो समतल ज़मीन है वो सेकंड लॉन्गेस्ट है इन द होल एशिया। दैट इज़ लाइक रियली ग्रेट थिंग। एंड अगर आप उसको पीछे से देखोगे तो ये जो वो दूसरा वाला जो दिख रहा है आपको वो डेविल्स किचन है, जो मतलब आपको बहुत बड़ी बड़ी केव्स जो है वो यहाँ से आपको विजिबल हो सकती है, आपको दिख सकती है। और अगर आप मतलब यहाँ पे आओ तो मतलब लाइक दूर दूर तक ऐसा है लगेगा क्या, मतलब लाइक यू आर जस्ट ऑन द क्रिकेट ग्राउंड, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाली बारिश हो रही है, सख्त वाली बारिश वहाँ पे चालू हो गई है। और यहाँ पे जनरली सनसेट का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा आता है।